बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा चेंज वाइज टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिव प्लस पैसिव वाइज है। पीछे हमने प्रेजेंट के तीन टेंसेस जो हैं वो सीख लिए कि चेंज वाइज कैसे करते हैं, अगर इंग्लिश टू इंग्लिश हो एक्टिव को पैसिव में चेंज करना, पैसिव को एक्टिव में चेंज कैसे करते हैं। फिर हम आए थे पास्ट की तरफ, पास्ट के भी तीनों टेंसेस को हमने प्रैक्टिस कर ली चेंज वाइज की। अब हमारे लास्ट टू टेंसेस रह गए हैं फ्यूचर के। फ्यूचर के पैसिव वाइज दो ही होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इन दो टेंसेस के बारे में सीखेंगे कि इनके चेंज वाइज कैसे करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू कमर्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इसमें ऑल ऑप्शन को सेट करें ताकि जो मज़ीद मेरे न्यू आने वाले लेक्चर्स हैं उसका नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे मिलता रहे और आप इनसे खूब इस्तेफादा हासिल करें। मेरा यूट्यूब पे चैनल इंग्लिश विद राना एहसान के नाम से है, आप इसे सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों और कजन्स को भी इसका लिंक शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे इतना ही इस्तेफादा फ़ायदा हासिल कर सकें जितना कि आप लोग कर रहे हैं। जी तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिव वाइज प्लस पैसिव वाइज टेंस। चेंज द वाइज, चेंज द वाइज फिक्रों को चेंज करने से पहले चूंकि हमारे पास एक ही टेंस है फ्यूचर इंडेफिनेट, तो हमें इसके एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पूरी मालूमात होने चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनेट में दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, विल शैल, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है इसमें। जबकि पैसिव वाइज में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो तीन हैं, विल शैल बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसका इस्तेमाल फिक्रों में होगा विल बी या शैल बी, और पैसिव वाइज में आठवें पैसिव वाइज में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। जी स्टूडेंट्स, नंबर वन सिंपल, ही विल राइट अ लेटर। अब इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे देखेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारे पास है अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास ही, तो हेल्पिंग वर्ब वो दो ही है विल शैल, और राइट इसमें वर्ब था। अब अगेन सुन लें, ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ये है सिंपल। नंबर टू नेगेटिव, शी विल नॉट गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अब इसमें हमारे पास दो जो ऑब्जेक्ट दो हैं, यू भी ऑब्जेक्ट है अब बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स भी, और सब्जेक्ट हमारे पास शी है। अब इसको जब चेंज करेंगे पैसिव वाइज में तो यू से स्टार्ट कर देंगे, यू विल नॉट बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हर। नंबर थ्री इंट्रोगेटिव, यानी सवालिया, विल द टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इसमें सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, और जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो द टीचर है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, बल्कि इसका हेल्पिंग वर्ब विल बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ भी इसका हेल्पिंग वर्ब भी बाहर निकलेगा, विल द स्टूडेंट्स बी हेल्प बाय द टीचर। नंबर फोर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वाई विल द डॉक्टर नॉट ऑपरेट अपॉन दिस पेशेंट। अब सब्जेक्ट है हमारे पास दिस पेशेंट, और ऑपरेट अपॉन द वर्ब है, सब्जेक्ट हमारे पास आ गया था डॉक्टर। अब पैसिव वाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से, व्हाई विल दिस पेशेंट नॉट बी ऑपरेटेड अपॉन बाय द डॉक्टर। स्टूडेंट ऑपरेटेड अपॉन बाय द डॉक्टर, लास्ट स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क आ गया। ये फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिव से पैसिव वाइज जो चेंज किया है ये हमारा कंप्लीट हो गया।
पेपर में ही ऐसे भी आ सकता है चेंज द वाइज का मतलब अगर आपके पास जुमला पैसिव वाइज होगा तो एक्टिव में चेंज करना है, अगर एक्टिव वाइज होगा तो पैसिव में चेंज करना है। जी स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। जी स्टूडेंट दूसरा हमारे पास जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वाइज प्लस पैसिव वाइज टेंस है। जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि फ्यूचर के दो ही पैसिव होते हैं इंडेफिनेट और परफेक्ट, इसका कंटिन्यूस का पैसिव वाइज नहीं होता। कुल हमारे पास पैसिव वाइज होते हैं 8, 6 हम पहले कर चुके हैं बल्कि 7वां भी किया और 8वां जो लास्ट है वो हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए भी हमें फ्यूचर एक्टिव और पैसिव वाइज के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल और परफेक्ट में हर एक्शन की तकमील हो जाती है। जितने भी हमने परफेक्ट पढ़े हैं वो प्रेजेंट का था, वो पास्ट का था या वो फ्यूचर का है, इन तीनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। इसमें भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसके हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के विल शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पे ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस करते हैं तो पैसिव वॉइस में इसके हेल्पिंग वर्ब एक इसमें इजाफा हो जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब थे विल शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें इस्तेमाल कैसे हो गए पेपर में यानी जुमलों में हेल्पिंग वर्ब यूज कैसे होंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। जी स्टूडेंट्स तो टॉपिक की तरफ आते हैं, चेंज द वॉइस। नंबर वन सिंपल, आई शैल हैव बॉट 5 वीडियो फिल्म्स। अब इसका जब पैसे बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारे पास 5 वीडियो फिल्म्स और काम करने वाला सब्जेक्ट है हमारे पास आई है। जी 5 वीडियो फिल्म्स हैव बीन विल हैव बीन बॉट बाय मी। नंबर 2 नेगेटिव, दे विल हैव गेन नथिंग। उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं कर चुके होंगे तो अब काम हमारे पास हो रहा है नथिंग पे, इसको ही हम बना लेंगे अपना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारा इसमें काम करने वाला है सब्जेक्ट 5। नथिंग विल हैव बीन गेन बाय देम। इसमें हमने एक और चीज पढ़ी है कि इसमें हैज इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ हैव ही यूज होता है। विल हैव बीन या शैल हैव बीन तमाम सिंगुलर प्लूरल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स हैं सभी के साथ हम हैव ही यूज कर रहे होते हैं फ्यूचर में। नंबर 3 इंटरोगेटिव यानी सवालिया, विल द बॉय हैव क्लाइंड द वॉल। ये हमारे पास है इंटरोगेटिव, विल द बॉय हैव बीन क्लाइंड बाय द बॉय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। नंबर 4 नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी सवालिया मनफी, व्हाई विल द हंटर नॉट हैव हंटेड द लाइन। इसमें जो द लाइन है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, द हंटर इसमें सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस चूंकि स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से तो ऑब्जेक्ट सही होगा, पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हाई, व्हाई विल द लाइन नॉट हैव बीन हंटेड बाय द हंटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आज हमारे चेंज वाइज भी कंप्लीट हो चुके स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर ऑफ करने से पहले वंस अगेन आई वांट टू टेल यू अबाउट माय यूट्यूब चैनल। अगर आप यूट्यूब पर देखें तो इंग्लिश विद राना एहसान इस नाम से यूट्यूब पर मेरा चैनल है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू कमर्स हैं, नए मेरी वीडियोस को वॉच करने वाले हैं देखने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन बाकायदा आपको मिलता रहे। स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, ये हैप्पी स्टूडेंट्स के लिए ही है और माशाल्लाह जो सब्सक्राइबर्स की तादाद है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लाइक्स भी बढ़ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। आपके अच्छे कमेंट्स से मुझे बड़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। बच्चे इससे बहुत इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं तो मेरा चैनल मोस्टली हैप्पी स्टूडेंट्स के लिए ही है ये, और
जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने दोस्तों को और अपने कजन्स को इस लिंक को शेयर नहीं किया तो उनको भी ये लिंक शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स जितना आप इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उतना ही वो स्टूडेंट्स भी हों। उम्मीद करता हूँ कि आप इस जो लिंक है इसको लाजम दूसरे दोस्तों को शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।